हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 से एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल इट बी। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल है कहाँ पर, बी पॉइंट पर। तो ये बी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी एंगल, एंगल ए सी बी तो जो सेंटर वाला होता है वो हमारा यहाँ पे कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो ये हमारा सी हो गया और ये ए हो गया। फिगर आपको बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन को देख के बनाना है, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो ए सी बी हमने यहाँ पे पुट कर लिया 30, एक्यूट एंगल हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना बड़ा इजी होगा, क्योंकि जो भी एंगल की वैल्यू हमें, जो भी एंगल हमें गिवन है वो बेस पे हो तो यहाँ पे रेशियो फाइंड करना इजी हो जाता है। तो ये हमारा बेस हो गया, क्योंकि एक्यूट एंगल हमने बेस पे बनाया। इन राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू हमारा यहाँ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी, तो हमें बी सी की लेंथ फाइंड करनी है एंड ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हमें यहाँ पे एक और साइड गिवन होती तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो हमें कोई एक और साइड गिवन नहीं कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साइड फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो कोई भी साइड ले सकते हैं, चाहे हम बी सी फाइंड करें चाहे ए सी फाइंड करें, एक साइड हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी फाइंड करनी है अगर, तो हमें ये फाइंड करना है, ये हमें गिवन है, तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो आप देखो, पी अपॉन बी या फिर बी अपॉन पी क्या होता है, तो ये जो हमारा रेशियो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पी अपॉन बी अगर हम देखते हैं तो ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा, यही हमारा हुआ। और b अपॉन p अगर आप देखते हो तो वो cot थीटा हो जाएगा। किसी भी एक को आप ले सकते हो, tan भी ले सकते हो, cot भी ले सकते हो, क्योंकि वो ये p और b दोनों tan और cot के रेशियो में ही आते हैं। तो गिवन ab इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल acb इक्वल टू 30 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम या फिगर, tan थीटा हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें बेस चाहिए, हम सबसे पहले बी सी फाइंड कर रहे हैं। तो वो क्या होता है हमारा, पी अपॉन बी। तो आप यहाँ थीटा देखो, थीटा हमारा यहाँ कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कौन है, ए बी, और बेस कौन है यहाँ पे हमारा, बी सी। तो दिस इम्प्लाइज टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, बी सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब आपको टेबल यहाँ पे बनानी आनी चाहिए, टेबल में से आपको वैल्यू देखनी है। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, 1/√3 होता है। टेन थीटा हमारा होता है 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू 5/BC हो गया। अब हमें यहाँ पे बी सी की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर लो, बी सी को इधर मल्टीपल कर लो, रूट थ्री को इधर मल्टीपल कर लो। तो बी सी इंटू 1 हमारा बी सी हो जाएगा, इक्वल टू 5 × √3 हमारा 5√3 हो जाएगा। तो ये हमारी सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें ए बी 5 सेंटीमीटर की बना है। तो इस तरह से हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बिल्कुल हमने 9th चैप्टर में किया ना क्वेश्चन, बस वैसे एक एंगल हमें गिवन होता है, एक साइड हमें गिवन होती है, तो एंगल और साइड हमें गिवन है और एक और साइड हमें फाइंड करनी, तो हम इसी तरह से रेशियो लिख करते हैं। 9th चैप्टर में हमने ऐसे ही तो किया था। अब उसके बाद में ये हमारी आ गई है यहां से 5√3 हो गई, ठीक है। अब सेकंड वाली जो आपको एसी साइड फाइंड करनी है, वो आप सेम इसी मेथड से रेशियो लेके कर सकते हो। अगर हमने पी अपॉन एच लोगे तो आपका साइन थीटा आ जाएगा, बी अपॉन एच लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, नहीं तो अब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। दोनों मेथड से कर सकते हो, इस तरह से जैसे हमने रेशियो फाइंड करके क्या वैसे भी कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ कौन है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा है यहाँ बी सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ हमारा कितना है, ए बी स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर लो, ए सी हमारा, ए सी की तो हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी स्क्वायर हमारा एज इट इज हो गया। बी सी, तो बी सी की वैल्यू हमारी हो गई 5√3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यहाँ से हमारा कितना हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5√3 का स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व करना है,
5√3 इंटू 5√3 हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए 5 × 5 हमारा 25 हो गया और √3 × √3 हमारा 3 होता है। सेम नंबर के रूट को मल्टीपल करने पे वही नंबर आता है। 25 × 3 हमारा कितना हो गया 75। तो ये 75 प्लस 5 का स्क्वायर हमारा हो गया 25। तो ए सी स्क्वायर हमारा हो गया 100। तो ए सी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100। तो ए सी इक्वल टू हमारा हो गया 100। तो यहाँ पे 10 × 10 हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, और भी बना सकते हो, पर 10 × 10 हमारा सबसे सिंपल है। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई दोनों नंबर की, तो ए सी इक्वल टू हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ दूसरा मेथड भी आप देख सकते हो, ये मेथड नहीं चाहिए, रेशियो वाला चाहिए। तो हम यहाँ पे पी अपॉन एच ले लेते हैं। तो पी अपॉन एच हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है पी अपॉन एच। अब ये वाला मेथड भी कर सकते हो, ये वाला मेथड भी, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना है हमारा 30 डिग्री, पर पेंडिकुलर कितना है 5, और एच हाइपरटेनियस हमें फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे देखो साइन 30 हमारा कितना होता है यहाँ पे 1/2। साइन 30 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, 1/2 इक्वल टू 5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीपल कर लो तो दिस सिंपली AC × 1 AC हो गया, और 5 × 2 हमारा 10 हो गया। 10 सेंटीमीटर चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों ही मेथड से वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे रेशियो ले लो चाहे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लो। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।